तो भाई मेरे को काफी सारे लोग कह रहे थे यार विकल भाई फेक सब्सक्राइबर है तेरे, क्या यार फ्री दियो सब्सक्राइबर्स हैं सारे के सारे, वीडियो डालते व्यूज तो 400 आते हैं मुश्किल से। ब्रो एक नुबड़ा है तेरे, 9 लाख फेल के सब्सक्राइबर खरीदे तूने, एक नंबर का नुबड़ा है तू। अब टाइम आ चुका था इन लोगों को गलत साबित करने के लिए, इसलिए अब लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो ये बात है सदियों साल पुरानी, जब एल्विश भाई बिग बॉस में गए थे, तब मेरे को उस टाइम ठीक ठाक एडिटिंग आती थी। मैंने उस टाइम एलिश भाई की एडिट वीडियो ऐसी बना के डाल दी थी यूट्यूब पे, पर वो अचानक से वायरल हो गई मेरे दोस्तों, और उस पे 1 मिलियन तक व्यूज भी आ चुके थे और मेरा चैनल उस टाइम से ग्रो होना चालू हो गया था। देखते देखते मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हो गए, फिर 1 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 9 लाख, फिर अचानक से मेरे चैनल पे एक दिन आ गई कॉपीराइट स्ट्राइक। फिर उस टाइम से मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने अपनी सारी वीडियो डिलीट कर दी। जिस दिन मैंने अपनी सारी वीडियो डिलीट की थी, उस दिन से मेरे चैनल का डाउनफॉल चालू हो चुका था। फिर मेरे सब्सक्राइबर्स डिक्रीज होते गए, कम हो गए, रीच भी गिर गई, वीडियो रेकमेंड नहीं हो रही थी बाकी लोगों को, आगे एल्गोरिदम पोस्ट नहीं कर रहा था मेरी वीडियो, मेरा चैनल एक तरफ से कम्प्लीटली डेड हो चुका था। पर मैंने फिर भी हार नहीं मानी, मैंने अपने चैनल का नेम चेंज किया विकल्प एडिट से एंटरटेनिंग विकल्प, मैंने अपने एक पैशन गेमिंग को सेलेक्ट किया और उसकी वीडियो डालता गया। मैंने व्यूज के बारे में ध्यान नहीं दिया, फिर मेरी अचानक से 2 शॉर्ट्स वायरल चलेगी, उन पे अच्छा खासा रेस्पॉन्स आया, मेरे थोड़े बहुत व्यूअर्स भी आने लग गए दोबारा से, मेरे व्यूज बढ़ गए थे अचानक से। पर फिर क्या विकल्प भाई, आगे की स्टोरी अगली वीडियो में। पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक कर देना, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।